यहाँ पढ़ेंगे और उसके पढ़ेंगे या पेश किए गए जो कहिए इस तरह से, क्योंकि दो भाई ऐसे थे जल्दबाजी पेश किए गए, तो उससे इस मामले में ये सेशन बड़ा अहम रहा। मैंने इससे पहले सेशन में खामोश बैठ के सुन रहा था। मुझे ख्वाहिश तो होती है ये कि जब कोई सरकार हो जिसमें कोई लायक हो और उसमें कुछ गुफ्तगु हो, सवाल जवाब तो होना ही चाहिए और बसमुबासा नहीं हो तो कम से कम अपने ख्याल का इजहार करें। मजरूह की जो तारीख पैदाइश के ताल्लुक से है तो उसमें अभी बहुत इख्तलाफ था। अभी जामिया में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, हम लोगों ने सोचा कि लेक्चर का इंतजाम किया जाए, श्री मनफी साहब है और उन्होंने लेक्चर दिया और पूरी सुल्तानपुर की जो कुछ भी तारीफ और तरजीब पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है 100 साल नहीं है बल्कि 1919 से नहीं है, ये जो है 1920। मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे इनमें 1919 है और उसके ताल्लुक से मैंने बोलते हुए बस ये एक अलग बात। इस सेशन में ये भी हुआ कि इससे पहले के सेशन में जिस तरह से मजरूह की शायरी के ताल्लुक से दो बड़े भरपूर और अच्छे मकाले पेश किए गए थे, इस सेशन में उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ कोशों पर रोशनी डाली और रहमान अब्बास साहब का मामला यह है कि उनका रवैया जो है एक भरा लेजाजी रहता है लेकिन सच कहने से उद्रेक नहीं करते हैं और अपने दिल की बात को वो कह जाते हैं। लेकिन मेरा मसला यह है कि हम जब किसी शायर को पढ़ते हैं तो हमारा ज्यादा ताल्लुक जो है उसके मतन से होना चाहिए और अगर हम उसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इतनी कम गजलें गाकर भी, और मैं कह रहा हूं कि मैं कोई मुआवजा नहीं करना है, एक बड़ा गालिब ने बहुत पढ़ा गीत मुकाबले में हम देख लीजिए वहां तक 1000 शायर गजलें हैं और अशार हैं और यहां ये के 250 गजलें हैं जो कुछ भी, तो अगर मजरूह इस कदर कम कहकर भी हमारे दरमियान इस तरह से जिंदा और उनके अशार एक नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था उनके मुताबिक अशार हमारे हादसे का हिस्सा, तो ये बड़ी कामयाबी है। अब ये मसला ये है कि मजरूह को इस बात की शिकायत थी, मजरूह को क्या जिस तरह हमारे जो फनकार हैं ये नकाल की शिकायत होती है उनकी वो पजराई नहीं थी, लेकिन बहरहाल मजरूह जिस तरह से मुख्तलिफ हवालों से जाने जाते हैं, जिस तरह से वो निसाब का हिस्सा बने, जिस तरह से वो नई नस्ल में उनकी पहचान है, मेरा ख्याल यह है हम फैज से मुकाबला मुआसना तो नहीं कर सकते हैं। फैज की इज्जत अफजाई, फैज की शोहरत और भी बहुत सारे अस्बाब थे जिससे हम सभी वाकिफ हैं, तो वो जो है रवैया जो है मजरूह के साथ दिखता और उनका फिल्मों में जाना जहां एक तरफ उनकी मकबूलियत का सबूत बना, कहीं न कहीं दूसरी तरफ जो है उनकी गजलगोई से उनकी ताल्लुक रिश्ते को उसने कम भी किया। ये सही है 81 साल की उम्र में और इतनी उन्होंने पाई और इतनी कम गजल उन्होंने पेश की, इसका अफसोस तो होना लाजिम है। तो बहरहाल मैं साहित्य अकेडमी को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि इतने बड़े अहम शायर, मैं तरक्की पसंद शायर वगैरह कहना नहीं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ शायर को एक शायर के हैसियत से समझना चाहता हूं और बड़े मकबूल शायर पर उन्होंने इस सेमिनार का इनेकाद किया, उनके लिए उनको मुबारकबाद और तमाम हाजिरों का शुक्रिया और खासतौर से शिकायत।